Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a fan. Credit cards and scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. जो है वो घर में बना है, मिक्स वेजिटेबल बने हुए हैं और मैंने जो बनाना है वो है पराठा रोल। और पराठा रोल का डो मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, इसको दूध के साथ गूंदा है मैंने और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के रखा हुआ है। और अभी जो है वो मैं वेजिटेबल्स सौते करने लगी हूँ, जो कि साथ साथ बताती रहती हूँ और दिखाती रहूँगी। ये मैंने कैप्सिकम काटा है, चिलीज़ काटी हैं और अनियन काट के रख दिए हैं। और चिलीज़ मैं एंड में डालूँगी, पहले मैंने सिर्फ कैप्सिकम को और अनियन को जो है वो ऑयल में डाल के सौते करेंगे। तो मैं ज़रा निकाल लेती हूँ, कोई सा भी, ये बिल्कुल इसका लास्ट इतना सा रहता है, मुझे इतना ही चाहिए, ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसके जो बबल्स हैं ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद डालते हैं ताकि कहीं क्रैकिंग ना स्टार्ट हो जाए। इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, ये इसमें कैप्सिकम मैंने ऐड कर लिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फ्राई नहीं, आई मीन इसे सौते कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसमें अनियन चले जाएंगे। वेजिटेबल जब सौते हो गई ना, तो उसके बाद हमने इसमें सिर्फ दो चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। इसमें हमने ये ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है और काली मिर्च जो है वो ऐड करनी है। एक टेबलस्पून जो है वो सिर्फ हम ऐड करेंगे इसमें विनेगर का और हल्की सी जो है वो हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे ब्लैक पेपर जो है। उसमें से निकाल के मैंने एक बॉल में जो है वो शिफ्ट कर लिए। इसके अलावा अब मैंने जो पकड़ना है वो है अपना चिकन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। और ये कर्ड में, मतलब दही और जो टिक्का मसाला होता है, टिक्का मसाला मैंने शान वालों का टिक्का मसाला यूज़ किया, जो चिकन टिक्का मसाला है वो, और इसके अलावा नमक थोड़ा सा, ये 3 चीज़ें बस डाली हैं और इन्हें मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दिया। अब इसमें फ्राइंग पैन में जो है अच्छे से पकाऊंगी। मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, ये अपने ही पानी में पकता रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के लिए और आप इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे। जब ये बन जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जो है वो पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा इसमें पानी आया हुआ है। तो अभी मैं इसको कवर करके लेट के साथ रख देती हूँ। जो चिकन ब्रेस्ट होती है ना, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, 15 मिनट भी बहुत काफ़ी होते हैं। तो अभी इसको 5 मिनट हुए हैं बस, जब तक वो कुक होता है तब तक मैं ये जो 3 अंडे हैं इनके अंदर, इनको निकाल के इनको विस्क करूँगी विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा बस नमक लेके इसको विस्क करूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी हमें आगे काम आएगा, मैं बताऊँगी ये किस लिए काम आएगा। 15 मिनट हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया, उसका पानी आप देख सकते हैं पूरा अब्जॉर्ब कर चुकी है चिकन। और मैंने एग्जॉस्ट थोड़ी देर के लिए ऑन किया, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर लें। और इसके अलावा जो है ये आटा है, इसके मैं बॉल्स बनाने लगी हूँ, इसको मैं जैसे रोटी को बेलते हैं वैसे बेलने लगी हूँ, लेकिन पतला पतला बेलना है, ठीक है, क्योंकि मैदा है, मैदे को ज़्यादा जो है वो मोटा नहीं बेलते, मज़ा नहीं आता। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना चिकन जो है वो अंदर से अच्छे से पक चुका है, ये देखें आराम से अलग हो रहा है, बिल्कुल आराम से अलग हो जाता है। तो अब जो है इसके अंदर मैंने नेक्स्ट चीज़ें करनी है, वो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था वेजिटेबल सौते करके, वो इसके अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्रीम डालनी है इसमें मैंने। ये ऑलपर्स की क्रीम पड़ी हुई है जिसको मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, और आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, ठीक है। स्क्वीज़ स्क्वीज़ स्क्वीज़, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से एक काम करना ना बहुत मुश्किल है। बस इतनी, ठीक है, अब मिक्स करने लगी हूँ मैं। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स 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 किया है, अब इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल डाल के, जो सौते वेजिटेबल है वो डाल के फिर इसको मिक्स करके बस रख देना ऐसे।
इज हाउ इट लुक्स नाउ। और इसके बाद अब मैं जो है वो पराठे वो उनको बेल कर तैयार करने लगे हैं। देखें ये एक रोटी जो है इसके ऊपर गई है, इसको फिर पलटेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़ा घी लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा पलटेंगे। और वो जो मैंने अंडा तैयार करके रखा हुआ है ना, जिसके अंदर सिर्फ नमक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको बस विस्क करके ऑलरेडी रख लेना, और सिर्फ नमक है और कुछ भी नहीं है। एक सारा मैं आपको प्रॉपरली तैयार करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी मैं इजीली अपने लिए जल्दी जल्दी तैयार करके फिर आप लोगों को रोल बनाना सिखाती हूँ कि रोल में कैसे कैसे लेयरिंग करनी है। खाई से खाई से वो चमटा तो लिया नहीं। पलट कर देखे बना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी ये बन रहा है, और एक साइड पे हम घी लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने मैस को थोड़ा सा ना इग्नोर करना है, कुछ नहीं कर सकते जब किचन में काम हो रहा हो तो ऐसे ही होता है। इस तरीके से मेरे एक हाथ में जो है वो मोबाइल है, तो इसलिए मैं इतना इजीली काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे सिखाना भी तो है ना, साथ साथ में सिखाना और दिखाना दोनों। अच्छा जी ये देखिए एक साइड पर हो गया, इसको पलट देना है। जैसे ही पलट दिया है हम लोगों ने अंडा लिया, अंडा लिया, अंडे को इसके ऊपर इस तरह से पोर करना, ठीक है। हर साइड पे हमने पोर कर दिया बस, और फिर थोड़ी देर के बाद हम पलट देंगे। मेरे सारे पराठे तैयार हैं उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, मैंने तैयार कर लिया। मैं अपने लिए जो है वो होल वीट का तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी खाना चाहती हूँ। और बाकी उसके अलावा अब मैं लेयरिंग स्टार्ट कर दूंगी, और वो दिखाती हूँ आपको कि कैसे लेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस पर केचप डाली, थोड़ी सी मायो डाली, अब इसको जो है स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद उधर से लेकर इस पर रोल पर हम लोग अपनी चिकन डाल देंगे। अच्छा ये हो गया। इसके बाद ना मैंने एक चीज कट करके रखी हुई थी, प्याज। जो प्याज है ना ये मैंने कट करके ऑलरेडी रखे हुए थे, तो ये मैं इस पे डाल दूंगी, कच्चे प्याज जो है इसमें। ऑलरेडी भी आपने देखा था मैंने सौते जब किया था तो अनियन गए थे, लेकिन इसके बाद भी कच्चा प्याज डालेंगे, बहुत जो टेस्ट होता है ना क्रंची सा आता है, बहुत मजे का लगता है, तो मैं बस इसमें ये ऐड करने लगी। ये मैंने ऐड कर दिया, अब रोल बना के देने लगी बस सबको। ये वाले मेरे रोल तैयार हो गए हैं, जिन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, शॉर्मा भी कह सकते हैं, पराठा रोल ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है इसके लिए, क्योंकि ये पराठा रोल ही मैंने बनाया है। तो ये मेरे तैयार हो गए, अब मैं अपने लिए जो है वो मेरा जो होल वीट वाला है मैं वो तैयार करूँगी, फिर बस खाने के लिए चल पड़ेंगे और भाई से रिव्यू लेंगे इंशाल्लाह। ये जो है मेरा तैयार होने लगा है, और फिर हम निकलते हैं डाइनिंग की तरफ। कैसा है? अच्छा। आज की बस रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड आई होप कि आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करनी है अपने घर पे, और ट्राई कर लें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप ये सब शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और आप लोगों ने विज़िट ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को ये भी पता लगेगा ये सारा कुछ क्या है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।